नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंज बासोदा के कुरवाई में 18 साल का प्रीतम अपने दोस्तों के साथ बेतवा नदी में देवी मां को विसर्जित करने गया था। प्रीतम मिहलुआ क्षेत्र से चलकर अपने दोस्तों के साथ दुर्गा प्रतिमा को विसर्जित करने आया था। देवी माँ को विसर्जित करने के दौरान प्रीतम नदी की गहराई में जाकर तैराकी करने लगा और 300 मीटर अंदर तक गहरे पानी में चला गया। ऐसे में प्रीतम के लिए वापस लौटना नामुमकिन था। वहीं किनारे पर खड़े प्रीतम के सभी दोस्त नदी के आगे बेबस खड़े हुए नजर आ रहे थे। बेतवा नदी के आगोश में प्रीतम डूब गया था, जिस बेतवा में वो अपने दोस्तों के साथ देवी माँ को विसर्जित करने आया था, वो नदी उसके मौत का कारण बन बैठी। इस पूरी घटना के बारे में हमारे संवाददाता ने एडिशनल एसपी केएल बंजारे से बातचीत की। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की रिपोर्ट। जिले अंतर्गत कुरवाई थाना क्षेत्र की बेतवा नदी की छोटी पुल में कल दिनांक 9/10/19 को 3 बजे मेलवा चौराहा निवासी प्रीतम उर्फ पिंटा भोई, जो एक तैराक था, नदी में नहाते समय तैरते हुए आगे चला गया था। 100 मीटर आगे चला गया था। वहाँ पर कुछ मछली पकड़ने वाले बोट वगैरह थे, वो सब देखे थे उसको। इसके बाद नदी की तेज धार में वो बह गया है, जिसकी तलाश हम कल से कर रहे हैं, जिसमें हमारे कुरवाई थाना क्षेत्र और विदिशा जिले के होमगार्ड के जवान, तैराक बोट वगैरह लगे हुए हैं। अभी तक उनकी डेड बॉडी मिली नहीं है और ऐसा लगता है कि वो कहीं दूर बह कर चला गया है। तो हम आसपास के गांव को भी सूचित किए हैं कि इस प्रकार से अगर सूचना प्राप्त होती है तो हमें तत्काल सूचित करें।